लड़कियाँ आती है ना, हमसे बैठा नहीं जा रहा। ओह माय गॉड, ये वाली बैक टू माई चैनल ग्लैम गर्ल दिया। सो गाइस, आज है मेरा फेयरवेल। सो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार। मतलब फेयरवेल है, पहली बार हो रही है, और क्या बोलते हैं, सभी ऑफकोर्स पहली बार ही फेयरवेल अटेंड करते हैं, बट मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है साड़ी पहनने की। इतने दिन से हो रहा था फेयरवेल आ रही है, फाइनली फेयरवेल भी आ गई है। 11 बज रहे हैं, सो मैं फटाफट से शावर लेके आती हूँ, देन फिर मैं आपको अपना मेकअप वगैरह और सब दिखाती हूँ कि मैं कैसे रेडी होती हूँ, कौन से कलर की साड़ी पहन रही हूँ। सो बने रहो तब तक। जो है मुझे साड़ी पहनाएंगी एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ब्लाउज तो आपने रिवील देख ही लिया कि कैसा है, बट अब साड़ी देखते हैं और फाइनल लुक देखते हैं कि कैसा आता है। हेयर अभी मुझे करना है, हेयर में इतना कुछ करा नहीं है क्योंकि अभी मैंने कल ही मैंने वो कर्ल्स करवाए थे, हेयर स्टाइल बनाया था। सो मैं सोच रही हूँ इसी को मैं सही करके मेरा हेयर स्टाइल हो जाए। एंड कमेंट करके बताना कि मेरा मेकअप कैसा लग रहा है, बहुत मेहनत से करा है। सो साड़ी बांधते हैं, फिर मिलते हैं। हम सब स्कूल पहुंच चुके हैं। बस करो बहन, बस करो, रुको। हेलो, और कहां गए सब? रुको, अब मैं आपको एक एक करके सबसे मिलवाती हूँ। आते ही फोटोशूट स्टार्ट हो चुका है, मैम को बिजी कर दिया हमने। मैम हाय कर दो। मैम कैसी लग रही हूँ मैम? बहुत सुंदर। सो गाइस, अब हम खाएंगे खाना क्योंकि हम बहुत देर से भूखे हैं। तो खाना खाते हैं। मुझे देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो खाना खाते हैं। सर हाय कर दीजिए। हर बार की तरह सर को फोटोशूट लगाने पे लगा दिया, बट मैंने नहीं लगाया। मेरे को ना लिटरली इतनी तेज भूख लग रही है, बट ये फर्स्ट शूट वाले ना खड़े हैं तब हम खाना खा लिया है ना। भूख लग रही है सच में, बहुत तेज है। लाइनर है, मोटी हमेशा ही खाते हैं। नहीं, लिपस्टिक है बस, लिपस्टिक हम भी लाइनर मोटी हमेशा खाते हैं। और मुझे खिलाते हुए बंदी भला कर रही है मेरा आज, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है लिटरली। सो गाइस देखो, मेरे अंदर बिल्कुल इतना सा भी एटीट्यूड नहीं है, मैं बैठ के खा रही हूँ आराम से। साड़ी हमारी कहने वाले हैं, ये कुछ लड़कियाँ होती है ना, हमसे बैठा नहीं जा रहा। ओह माय गॉड, ये वाली मेरी साड़ी कहने वाले हैं। ये बांधेगा कौन? यही बांधेगी, मैं बांधूंगी। बैठो अब तुम लोग, मैं बैठ के आराम से खाना खाएंगे। स्कूल वाले पहली बार कुछ खिला रहे हैं, पैसे वसूलेंगे। खाने में हमें छोले मिले हैं, चावल मिले हैं, पूरी मिली है, दम आलू मिले हैं, रायता मिला है, पनीर भी मिला है, समझ रहे हो। सो खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। फर्स्ट शूट वाले भी यहाँ पे घूम रहे हैं, मैं अभी आपको मॉल दिखाती हूँ। पहले मैंने बहुत मना किया, मैं खाती हूँ ना। गाइस साड़ी पहनना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन द वर्ल्ड। मैं तंग आ चुकी हूँ अपनी साड़ी से, कभी उधर से खुल रही है, कभी इधर से खुल रही है, कभी नीचे से गीली हो रही है, कभी पल्ला भारी हो रहा है। मतलब मैं तो कभी साड़ी पहनू ही ना, पहनूंगी फैशन के लिए पहनूंगी, अदरवाइज छूंगी नहीं मैं साड़ी को। बाहर भी गए साड़ी, बहुत खतरनाक साड़ी है। सो अभी तक हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है, टाइम हो रहा है 2:40 एंड बाय बाय सर, बाय। सो सर ने बहुत अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक कर दी हमारी, बस अब फर्स्ट वाले जा रहे हैं, फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा।
सो गाइस उसके बाद जो है हम लोग बैठ गए और सरस्वती वंदना से हमारी जो है वो फेयरवेल स्टार्ट हुआ। और हम सब ने केक खाया। सो गाइस मुझे ये फेयरवेल का टाइटल मिला था और फिर उसके बाद होते हैं गेम स्टार्ट। हो रहा है क्या
प्रकट क्या कर रहा है यार। जैसे कि आपने पहले देखा कि सब बच्चे जो है वो डांस कर रहे थे कि मतलब स्टेप पहचानने थे, फिर उसके बाद जो है टीचर्स की हमने एक्टिंग करी, फिर उसके बाद अब सबको टाइटल्स दिए जा रहे हैं एंड एंड तक देखना, मतलब मेरे लिए भी वो चीज़ सरप्राइज थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मुझे ऐसा लग रहा था सब तो बटे जा रहे हैं, मेरी बारी कब आएगी, बट जब सरप्राइज मिला तो छप्पर फाड़ के मिला। सुनो सो गाइज, इतनी सारी भीड़ में मैं बन गई हूँ मिस फेयरवेल। इसका मतलब मेरे अंदर कुछ तो क्वालिटी, कुछ तो ऐसे मतलब बोलते हैं ना गुण रहे होंगे कि मेरे को मतलब मिस फेयरवेल का मेरा, एंड आई एम सो हैप्पी, मतलब रिया आहूजा। सो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। और मेरी बारे में केवल मैंने ही तेज से होटिंग करी थी, मतलब खुद की खुशी में खुश रहना इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और मैं खुद की खुशी में बहुत ज़्यादा खुश थी। आई थिंक पता नहीं क्यों मेरे बारे में कोई नहीं चिल्ला रहा, बट कोई बात नहीं। तो उस समय जो हमें सबसे ज्यादा बाकी में आप लोगों से शायद जितनी आपके पेरेंट्स को जो भी अपेक्षाएं हैं उनसे 100 गुना ज्यादा आपकी टीचर्स को रहती है, क्योंकि हमारी जो सक्सेस है, हमारी सफलता आप लोगों की सफलता से गिनी जाती है। थैंक यू वेरी मच सर, आपकी गाइडेंस में हमारे बच्चों को। अभी सब जो है फोटो सेशन करवा रहे हैं, हमारे एडमिट कार्ड मिल रहे हैं और हमें फोटो फ्रेम भी मिल रहा है। सो या वो प्रोसेस भी होती है, दिस इज माय लुक। सो अभी मैं आपको बाहर जाकर दिखाती हूँ क्या हो रहा है, ठीक है? मेरे से चला नहीं जा रहा साड़ी में, एक तो पकड़ के चलना पड़ता। रुको। सो गाइस, हमारा फेयरवेल होता है कंप्लीट। बाय 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 बाय। सो गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही, एंड यू नो कि मेरा मेकअप अभी तक इतना ज्यादा टिका हुआ है, मतलब मैं इतनी ज्यादा खुश हो गई हूँ, आई एम सो हैप्पी। सो या गाइस, आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो, ढेर सारा प्यार करना, ढेर सारी विशेस करना। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।